आखिर इस गांव में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, ऐसा कौन सा आयुर्वेद का इलाज है जिससे बाल इतने लंबे हो जाते हैं? से बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है। जय श्री हर्बल हेयर ऑयल बोल के जो जान नहीं है, पूरा टकलू होके पूरा ग्लास शीशा हो जाएगा। कर्नाटक में चुनाव यात्रा में जब हम हासन से चिकमंगलूर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो अचानक एक इलाका पड़ा जहां पर एक बोर्ड दिखाई दिया और एक के बाद फिर दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बोर्ड दिखाई दिया और हर बोर्ड पर कुछ महिलाएं और उनके खूब लंबे लंबे बाल। इस बोर्ड ने हमें इस इलाके में रुकने को मजबूर किया कि आखिर इस तरह के जो लंबे लंबे बाल हैं इसका राज क्या है। और राज ये है कि यहाँ पर इस पूरे गांव में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और ये सारे लोग एक आयुर्वेदिक तेल बनाते हैं जिससे दावा ये है कि जो बाल हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं, सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। तो इस राज को समझने और इस राज के साथ साथ लोगों के पॉलिटिकल मुद्दों को समझने के लिए मैं और रूहानी ज़रा चलते हैं। कुछ लोग यहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इस गांव में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, ऐसा कौन सा आयुर्वेद का इलाज है जिससे बाल इतने लंबे हो जाते हैं। देखिए तमाम महिलाएं यहाँ खड़ी हैं जिनके मैं देख रहा हूँ बाल लंबे हैं। और क्या एक सवाल मेरा खुद का भी होगा क्योंकि मेरे बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, तो क्या ये बाल काले हो सकते हैं कि नहीं? तो अब देखिए इन सारी महिलाओं को जो अपना बाल हमें आते ही दिखा रही हैं। सर ये क्या राज है लंबे लंबे बाल? सर ये तो इलाज है, हम तो ट्राइबल लोग है, आदिवासी लोग है, ट्राइबल पीपल होता है हम तो। ये हमारा तो खानदानी होता है, ये हम कोई कंपनी से कोई एजुकेट करके हम सीखा हुआ नहीं है। ये तो ये खुद हम आदिवासी लोग बोलने से, हम जंगल में वास करके जंगल में रह के पूरा जड़ी बूटियों के बारे में हमारा बाप दादा खानदानी से हमारा जानकारी होता है। इस जानकारी के ऊपर में जो बालों के लिए जो तेल बनाते हैं वो तेल जो आजकल में जो बालों का जो समझते तो बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है पूरा देश के अंदर में, उसके लिए हम आदिवासी का प्रोडक्ट रेडी किया है। ये तेल से जो बहुत बाहरी लाभ होता है बालों के लिए, बाल का हर समस्या के लिए, झड़ने का, टूटने का, गिरने का, जो केमिकल का जो साबुन वगैरह होता है, जो गीजर का वाटर वगैरह होता है, जो पानी में जो कुछ चेंजेस हो जाता है उसके वजह से बाल झड़ने का भी 30-35 उम्र से बाल झड़ने का शुरू हो जाता है। बाल का जो भी समस्या है तो हमारा जो आदिवासी का नेचुरल ओरिजिनल प्रोडक्ट ये लेके इस्तेमाल करने से इससे आपको बहुत बेनिफिट है, बहुत रिजल्ट है। और एक बार आप इस्तेमाल करने से और बार बार आप इसी तेल के लिए आप मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, उसी से आपका भी फायदा होएगा, हम आदिवासी जंगल में रहने वाले लोगों का, हमारा भी रोजी रोटी भरेगा इसमें। आदिवासी समाज के लोग यहाँ कब से बहुत लंबे समय? हम आदिवासी समाज के लोग सर, हम तो ये पूरा जंगल था अभी देख 200 साल पहला, इस टाइम पे तो पूरा डेवलपमेंट होके ये रास्ता वगैरह गाड़ी वगैरह ये सब अभी टूरिस्ट प्लेस हो गया है। पहले तो 200 साल के पहले तो इधर तो पूरा जंगल था, शहर हाथी जंगल थे, तभी तो हम जंगल में रहने वाले हैं। जंगल के लोग एक थोड़ा सा घरदार इधर बना के, झोंपड़ी बना के इधर वास कर रहे हैं, तब से अभी तक 200 साल से अभी तक इतना डेवलप हुआ है, अभी तक मेरा गांव यही होता है। हाँ तो ये जो आयुर्वेद का दावा है ये किस किस जड़ी बूटी से तेल बनता है? सर ये तो जो शुद्ध नारियल का जो उसका ऊपर का जो चिप होता है, वो जो चिप से उसको जला के उसमें तेल निकालता है। शुद्ध नारियल का जो वो जो सूखा हुआ जो नारियल का गोला होता है उससे एकदम शुद्ध से तेल निकालते हैं। वो निकालने के बाद में 118 तरीका का जड़ी बूटी डाल के इसको मट्टी का हंडी में डाल के हम इसको दफना देते हैं। दफनाने के बाद में 6-5 महीने इसको अंदर में दफनाने के बाद में उसके बाद में उसको निकालने के बाद में वो एकदम लावा के जैसा, एकदम डांबर के जैसा हो जाता है। वो निकालने के बाद में तभी हम उसको जो अपना जो लकड़ी का जो चूल्हा बना के चूल्हा के अंदर में मट्टी का हंडी का उसको बर्तन में उसको रख के हम उसको जला के ये तेल निकालते हैं। हाँ तो इसकी डिमांड बहुत है क्या सर? इसकी डिमांड है, देखो सर अभी जो हमारा जो नेचुरल जो आदिवासी का जो प्रोडक्ट है, जो दूसरी कंपनी वाले हमारे ऊपर में कुछ क्या कर रहे हैं, इंजाम लगाते हैं, जो हमारा जो आदिवासी का नाम के ऊपर में जो कंपनी वाले उनके ऊपर में हमारा भी आदिवासी लोग बोल के सोशल मीडिया में डाल के अभी पूरा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें केमिकल होता है, लेकिन ओरिजिनल आदिवासी लोग का जो प्रोडक्ट है कभी भी उसमें केमिकल नहीं होगा। ये लेके खड़ी है, दिखाइए। हाँ उसमें कभी भी केमिकल नहीं होगा, ये तो भाई आइए अभी। हाँ ये तो पक्का ओरिजिनल होता है, इससे बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है। ये जय श्री हर्बल हेयर ऑयल बोल के इसके नीचे हमारा लिंक है, हमारा फोन नंबर है और हमारा जो ऑनलाइन का जो होता है वो भी है, और आप मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में आपको कॉल करके मंगा भी सकते हैं। और मेरे बाल भी बहुत सफ़ेद हो गए हैं, ये देखिए पूरे छोटे छोटे बाल सफ़ेद सफ़ेद, ये काले हो जाएंगे? सर देखो जो सफ़ेद बाल होने का जो रीज़न होता है, जो उम्र के हिसाब से सफ़ेद बाल होता है उसको नहीं काला होएगा ये, लेकिन आने वाला बालों के लिए ये काला बनाएगा। जो गर्मी से होता है उसको गारंटी आएगा, जो बॉडी हीट से गर्मी से
जो पानी से जो गर्मी से होता है उनके लिए पक्का कंट्रोल करेगा, गारंटी है ये। अच्छा, ये चाचा जो बैठे हैं इनके तो बाल उड़ गए हैं, वापस आ जाएंगे? देखो सर, चाचा को अभी देखो बाल उड़ गया है, बाल में भी एक जान होता है, जान कब तक होता है तब तक ये तेल सपोर्ट होता है, जो जान नहीं है पूरा टकलू होके पूरा ग्लास शीशा हो जाएगा, ये तेल नहीं आप दूसरा जो भी दुनिया का लगाएगा तो उसको नहीं आएगा वापस। टकलू हो गया तो टकलू हो गया, फिर वापस गया, वो उसका नसीब है, वो एक बार बाल का जड़ चले गया चले गया, लेकिन झड़ने का पहला एक दिन में चार भी बाल जाएगा, हफ्ते में कितना के बाल चल जाता है, टकलू होने में दो साल एक साल के तो काफी हो जाते हैं, टकलू बन जाते, उस वो टाइप के लोग है तो ये तेल मंगा के इस्तेमाल करो, टकलू होने का चांस आपको 100 से 100 आपको गारंटी कम हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पॉलिटिकल सवाल इस तेल से जुड़ा पूछूं कि किस पॉलिटिकल पार्टी में अभी जान है, इस बार चुनाव होने वाला है, इलेक्शन में क्या मूड है, क्या माहौल है? देखो सर, पॉलिटिकल पार्टी बोलने से अपना खुद से दुनिया का सोचना, अपने तो रोजी रोटी कमाएंगे खाएंगे पिएंगे वो अपना खुद होता है, वो दुनिया इंडिया अपने इंडिया में है, हर देश भी आज भी जाएगा इंडिया, मैंने तो बहुत सारे दुनिया घुमा हूँ मैं, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पूरा दुनिया में बहुत सारे, पाकिस्तान नहीं गया, अफगानिस्तान नहीं गया, एक दो चार मुस्लिम कंट्री नहीं गया, अपना अरब कंट्री नहीं गया है, अरबी पूरा घुमा हूँ मैं। इतना यूरोप कहाँ घूमने चले गया? यूरोप में पूरा हम घूमते सर, मैं तो अभी एक महीना हो गया है स्पेन से, मैं बार्सिलोना से आके अभी भी मैं 15-20 दिन इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं यूरोप, मेरा तो बिजनेस ये होता है इंडिया में तेल बेचते हैं, यूरोप जाते हैं, हम यूरोप जाते हैं रहता है। हाँ, बहुत सारे इधर डिमांड है सर, इधर बहुत सारे लोगों के लिए ये जरूरत है, लोग हमको खुद से बुलाते हैं, हमको वीजा भी दिलाते हैं, टिकट प्लेट करते हैं, प्लेट का टिकट देते हैं, नहीं हम तो अपना गवर्नमेंट के वजह से अपना जो स्टॉल भी देते हैं, अभी क्या एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन के थ्रू भी हमको भेजते हैं, हम तो ट्राइबल लोग हैं, हम तो ST समाज में आते हैं, हमको सरकार से बहुत मदद है। आज ये तेल बेचने यूरोप जाते हैं, इतनी डिमांड है? हाँ सर, यूरोप जाते हैं, तेल का जो डिमांड होता है लोग बुलाते हैं, और हमारे पास जड़ी बूटी भी होता है, और हम मसाज भी करके देते हैं, बॉडी मसाज होता है, जो आदिवासी लोग का मसाज बोलेगा तो पूरा दुनिया में एक फेमस होता है, इनमें कुछ डिफरेंट है बोल के। अभी दुनिया में हर जगह देखो, थाईलैंड जाता है मसाज के लिए, थाईलैंड जाता है और मलेशिया जाता है, इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो मसाज से जो हम करके देने का, हमारा ट्राइबल का हमारा एक दवा के तरीका होता है, आयुर्वेदिक होता है, दवा के तरीका होता है, एक शरीर के लिए बीमारी हटाने का होता है, ये जो सुक्का मसाज होता है वो नहीं होता है, जो सुख लेके खुश लेने का वो नहीं होता है, ये हमारा इलाज होता है ये तो। अच्छा, तो ये बताइए डेवलपमेंट हुआ आपके इलाके में? देखो मेरा इलाके में देखो सर, अभी कितने की सरकार आए, कितने की सरकार गए, कितने की MLA आए, कितने की MLA गए, लेकिन आज के सरकार से हमको बहुत कुछ डेवलप किया है, बहुत डेवलप हुआ है। आज की सरकार बोले तो बीजेपी सरकार से, अपना मोदी गवर्नमेंट के सरकार से, अपना बसुराज बोम्मई के कर्नाटक के सरकार से, इसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं, डबल इंजन सरकार से हमको बहुत कुछ मदद मिला है, हमको बहुत कुछ सब्सिडी मिल रहा है, हमारा गांव के लिए अभी पूरा रास्ता हुआ है, और करंट का सुविधाएं दिया है, पानी का सुविधाएं दिया है, हमारे बच्चे आदिवासी लोगों का बच्चों के लिए भी बहुत सारे, हमको स्कूल का भी फीस में कम हुआ है, और क्या है बोलेगा तो जो अपना फीस भी कम ले रहे हैं अभी, दूसरा क्या है जो अच्छा से मार्क्स काटेगा तो उनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप देते हैं, और हमारा जो सुरेश रैना बोल के बेलूर क्षेत्र में, सुरेश रैना बोल के बेलूर क्षेत्र में हमारा MLA कैंडिडेट है, हम उनके लिए तो हमारा आदिवासी लोग का समाज है बहुत उनके लिए मदद है। ये जिला तो हासन है, देवगौड़ा साहब यहाँ के रहने वाले, और ये कहा जाता है कि JDS का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पे, तो क्या बेलूर विधानसभा में ऐसा नहीं है? सर देखो, जो हासन विधानसभा बोलने से अपना जो JDS का एक भद्रकोटे बोलता है कन्नड़ा में, भद्रकोटे मीन्स एक उनका एक इलाका है, कोई भी आके नहीं बिगाड़ सकता है। देखो जो अपना खुद का पॉलिटिक करेगा तो दुनिया कहाँ तक, जो आँख मूँछ के बिल्ली दूध पिएगा तो भी, लेकिन तो उसका पेट तो भरेगा तो वो नहीं दिख रहा है करके बोल के समझेगा, लेकिन आजकल में जो मोदी साहब ने आके पूरा डेवलप किया है, एक महिला से आदिवासी समझ के लिए, आदिवासी समाज का महिला के लिए जो राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी समाज के लिए इतना से हर जाति वगैरह के लिए बोल के कोई भी नहीं कर रहे, हर भी पूरा एक परिवार है, ये संविधान में, हर संविधान के अंदर में हर कुछ भी गरीब लोग भी आज पॉलिटिकल में आ सकता है। ऐसा मैसेज रहता है क्या कि राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से हैं, आप लोग भी आदिवासी समाज से, BJP ने उनको बनाया इसलिए BJP अच्छे, ऐसा रहता है क्या फीलिंग? देखो सर, अभी पहले जैसा नहीं है, पहले हम आदिवासी थे, हम तो आदिवासी पूर्वज है, लेकिन हम भी अभी जनरल नॉलेज में आए हैं,
हम अभी आदिवासी नहीं है, लेकिन हम हमारा खानदान हमारा आधार कार्ड पे देखेगा आदिवासी है, लेकिन हमारा सबका आदिवासी है, लेकिन अब ग्रोथ हो चुका दिमाग, हम दिमाग तो अभी जो जगत कैसा डेवलप हो रहा है अभी एक जनरल नॉलेज बोलते हैं, जनरल नॉलेज हमको भी आ चुका है, हमको भी आ चुका है। अभी हम वो आदिवासी के ही तरफ हमें घूमे के जाएगा तो अभी हम पत्ता लपेटना पड़ जाएगा, लेकिन पत्ता नहीं लपेटेंगे, अभी दुनिया कैसा चल रहा है इसे हम उसके साथ में हम भी कुर्ता पजामा पहने। हाँ वो खा के पला हुआ आदमी है, क्या खा के गड्ढे गंसु बोलते है ना, गड्ढे गंसु जंगल का फल जो होता है फ्रूट, जंगल का फ्रूट जो जड़ों में रहते है ना, वो गट गट फ्रूट होते है ना, वो खा के पला हुआ आदमी है हम परंपरा से हम आयुर्वेदिक ये अवलंबित है हमारा जो, लेकिन दुनिया बदल गई तो आदिवासी समाज अभी जो एजुकेशन कैसे बढ़ती हुई आई है वैसे हम डेवलप थोड़ा डेवलप हुआ है। अच्छा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी समाज से हैं, बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बना दिया, तो ऐसे फीलिंग रहती है क्या कि एक महिला आदिवासी समाज की इतने बड़े पद पद पर चली गई? भैया हमको गर्व है मोदी जी आया है ना, ये अभी ये बोलेगा तो अभी अभिवृद्धि कर रहे हैं ना, हमको एक गर्व है, हमको अच्छा लगता है मोदी जी को सपोर्ट देने के लिए। हम क्या क्या फायदा मिला गवर्नमेंट? अच्छा फायदा मिला है भैया। अच्छा, जैसे मकान मिला, हमारे लकड़ी हमारे जो बुढ़ी बिचारी लोग थे ऐसे बुजुर्ग लोग थे वो तो चूल्हे के अंदर में जो धुआं के अंदर में खाना बना के खाते थे, अभी गैस के ऊपर कर रहा है। मिल गया आपको गैस? पूरा मिल गया, मिला है भैया, मिला। घर भी मिला? घर भी मिला, टॉयलेट भी? टॉयलेट भी मिला है, मिल गया गैस, मिल गया अच्छा लीडर, मिल गया देश, अभी पूरा परिवर्तन हो रहा है। जर्मनी में भी जाके कहेगा तो फ्रैंकफर्ट के अंदर में अभी हम इंडियंस बोलेगा तो मोदी करके बोलता है, मोदी बोलेगा तो इंडिया का नाम ऊंचा होता है, वो हमको बहुत खुश लगता है देखने में। तो राहुल गांधी जी भी तो इधर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब देखो घर का पॉलिटिकल करेगा तो अभी जो हासन डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक परिवार का पॉलिटिकल चल रहा था, अभी दुनिया बदल गया है, हासन बदल गया है, अभी ऐसे इंडिया में भी एक घर का पॉलिटिकल करेगा तो अभी कितना तक समझ सकते हैं, कितना तक दबाव में रह सकते हैं, अभी पूरा को आग खुल गया है, अभी आदिवासी से लेकर बड़ी बड़ी जो कमेटी वाले को भी पूरा को एक साथ में भी चल रहे हैं, अभी अपना जो देश इंडिया एक अभिवृद्धि चाहता है और एक अच्छा नाम चाहता है। हमारे जो आदिवासी का लोग अभी बाहर गया था, सूडान गया था, सूडान अभी 800 आदमी उधर गया था, 800 आदमी ये धंधा के लिए तेल पानी जीवना करके बेचने के लिए गया था, 800 आदमी अभी सूडान के अंदर में अभी पूरा बमबारी चल रहा था, पूरा लोग अभी मर रहे थे उधर, 800 आदमी भी एयरलिफ्ट करके शिफ्ट करके वहां से पूरा बेंगलोर और शिमोगा मैसूर में हमारा पूरा क्षेत्र में आदिवासियों को इतना सेफ ला के छोड़ा कि हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन का मुद्दा क्या? इधर आइए, इधर आइए। इस इलेक्शन में बारे में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर बार भी बीजेपी पक्ष आना है, मोदी आना है, हमारा डेवलपमेंट के लिए, हमारे बच्चे लोग के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे आदिवासी लोग के लिए, मेरे को मोदी जैसा एक अच्छा एक नेता जी मेरे को होना। मोदी जी क्या अच्छा करते हैं मुझे समझाएंगे? मोदी जी क्या अच्छा? मोदी जी की वजह से आज तक हम खाना खा रहे हैं, आज तक हमारा गांव में जो है ना रोड, आज तक अभी एक साल में दो साल हो गए आके, तब से हमारा रोड ऐसा मिट्टी जैसा था। अच्छा, हाँ, अभी मोदी जी सरकार आके हमारा पूरा गांव डेवलपमेंट हो गया है। अच्छा, वो जो सीमेंट की रोड बनी है, सीमेंट की रोड पूरा बीदी बीदी माओ, तो मेरे को घुमा के मैं दिखाता हूँ हमारा गांव को कितना डेवलपमेंट किया है मोदी सरकार ने, हम उसको हम पूरा मेरे आदिवासी लोग से सैल्यूट करते हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब आपके गांव का डेवलपमेंट हुआ हाल फिलहाल के दिनों में, पहले कुछ नहीं हुआ? पहले कुछ भी नहीं हुआ, पहले के सरकार है पूरा बेईमानी सरकार है, पूरा दिखाते है करने वाला एक बड़े भाषण करता है सबके सामने, वो उल्टा सीधा काम करते हैं, बाकी का सरकार बहुत बेकार सरकार है, बहुत अच्छा नहीं है सरकार। अच्छा, गौड़ा साहब तो यहीं के हैं, आपके जिले के ही हैं देवगौड़ा साहब, उनके बेटे कुमार स्वामी, तो उनका असर नहीं होता? ओ, उसको क्या बोलते हैं, सब पब्लिक बोलता है कुटुम्बा राज किया, उनको एक फैमिली राज किया, हमारे को नहीं चाहिए, कितना मिला तुम्हें उनके फैमिली के लिए वो कमाते हैं, लेकिन हमारा जैसा गरीब लोग के पास आके देखने वाला लोग नहीं है। जो हमारा नेता है सुरेश अन्ना है, हमारा बीजेपी में अभी बेलूर क्षेत्र में सुरेश अन्ना है, वो घर घर में आके देख के हमारा पूरा प्रॉब्लम पूछ के जाता है वो। मोदी साहब तो यहाँ आए थे रैली करने? मोदी साहब कल आया था, उनके लिए हमारा लक्षांतर आदमी अभिमानी हम गया, पूरा बिंदा सबको मेरे खुश मिल गया, वो आया ना वो भगवान जैसे आया है। मोदी जो आया ना मेरे गाँव में वो एक ईश्वर की तुका है, ईश्वर ने ईश्वर ही है, वो मरने के बाद उनको पूरा हमारा गांव वाला पूरा सल्यूट है उनको।
मोदी जी ईश्वर है, ईश्वर है, पक्का ईश्वर। कैसे मतलब समझाएंगे? वो पूरा बड़ूर के लिए, बच्चे लोग के लिए, गरीबों के लिए वो एक भगवान है। ऐसा क्या करते हैं कि मतलब मोदी जी को भगवान मान लिया? जो मैंने मेरे जैसे 100 आदमी है उन्हें दिया सो हेल्प, वो कितना को आदमी को वो अच्छा किया है पूरा हमारा। मैं एक ही शब्द में बोलता हूँ भैया, हमको थोड़ा हिंदी थोड़ा आता है। एक मोदी जी एक देश के लिए अच्छा नेता जी है, अच्छा पावरफुल है। कांग्रेस कह रही है फ्री फ्री की बहुत सारी चीजें देगी, पेंशन स्कीम शुरू कर सकती है कांग्रेस, और भी तमाम सारे उनके वायदे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो सब वादा जो है फ्री का चीजें मिलेंगे तो उससे फायदा होगा गरीब आदमी का, ऐसा विश्वास नहीं होता भैया? वो सब बड़े बड़े बात करते हैं छोड़ के, वो काम का काम करने वाला नहीं है। वो सब आदमी को बेवकूफ बना दे, बेवकूफ सब आदमी को बेवकूफ करते है। तेरे को चावल 3 रुपए में मिलेगा, फ्री गैस मिलेगा, तेरे को कपड़ा फ्री में देंगे, तेरे को लोन देंगे 10,000 रुपए देंगे, ये सब कांग्रेस वाले धोखी पूरा फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड। आदमी लोग को बेवकूफ करने के बात है, करना मोदी जैसे करना, नहीं तो छोड़ दो, रहना मोदी जैसे रहना। तो देखिए लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, और यहाँ तमाम जो लोग हैं। हिंदी आती है सर आपको? आपको कन्नड़ा, आपको हिंदी आती है? आपको सर नहीं नहीं आता? तो हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की जिनको हिंदी आती है, और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो आदिवासी समाज है जो सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहा है, जंगल हुआ करता था पहले, वहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं वो एक आयुर्वेदिक तेल बनाते हैं जैसा ये शीशियों में रखा है, और जब भी आप हासन से चिकमंगलूर या चिकमंगलूर से हासन आएंगे तो इस गांव में आपको जगह जगह जहां भी आप जाएंगे इस तरह के आयुर्वेदिक तेल मिलते दिखाई देंगे। और यहां के लोग, मुझे हैरानी इस बात की है कि इस गांव में बने हुए तेल को बेचने के लिए यूरोप और तमाम अलग अलग विदेशी देशों में जाते हैं, और यहां पर आदिवासी समाज के लोग, इनकी अपनी अलग सोच है, राजनीतिक सोच, लेकिन उस सोच का क्या कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर असर होगा, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में जा करके। यहाँ आयुर्वेदिक तेल को जानने समझने के लिए हम रुके थे, कुछ राजनीतिक बातें भी की, कुछ समझने की कोशिश की कि आखिर चुनावी मुद्दे क्या हैं, और कर्नाटक में जहाँ भी जा रहे हैं तो अलग अलग लोगों का रुख दिखाई दे रहा है, कहीं JDS स्ट्रांग है, कहीं कांग्रेस मजबूत है, तो कहीं लोग BJP की जय जय करके मोदी की मोदी को सल्यूट कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव किस रंग में रंगेगा यही जानना है, और मैं और रूहानी जरा चलते हैं चिकमंगलूर की तरफ, समझते हैं कि चुनावी मुद्दे असल में हैं क्या, और इस बार कौन जीतेगा कर्नाटक। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप पर चुनाव यात्रा।